तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी चिकन, जिसके लिए हमने यहाँ पर आधा किलो चिकन ले लिया है और इसे अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो हम इसमें डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक तिहाई चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। एक चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब चिकन को अच्छे से हम मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मैरिनेट करने के लिए हमें कम से कम आधा घंटा, या तो फिर हम अगर टाइम है तो हम दो घंटे भी इसे मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं। इसमें एक चम्मच ऑयल डाल देंगे और अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को अब हमने मैरिनेट करने के लिए रख देना है, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन पंजाबी के लिए उसका स्पेशल मसाला बनाया है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 8 से 9 काली मिरी, हाफ टी स्पून ज़ीरा, एक चम्मच भर के मैंने यहाँ पर खड़ा धनिया लिया है और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ली है, 2 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची ली है। इन सभी मसालों को हमें भून लेना है और फिर इसका हमें मिक्सी के जार में इसका पाउडर बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पंजाबी चिकन का स्पेशल मसाला हमने भून कर पीस लिया है। तो फ्रेंड्स, आधा घंटा हो चुका है, चिकन भी हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। एक हंडी में अब हमने तेल डाल दिया है, इसमें हम डालेंगे तेज़पत्ता, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसे मैंने चॉप कर लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। प्याज को हमें हल्का गुलाबी होने तक भून लेना है, प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है। तो प्याज को बस थोड़ा सा नरम होने देंगे, हल्का गुलाबी होने देंगे, तब तक ही हमें इसे भूनना है। प्याज हमारी हल्की गुलाबी हो चुकी है, हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्च काट के डाल देंगे और एकदम थोड़ा सा हाफ टी स्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, क्योंकि हमने अदरक लहसुन मैरिनेशन में भी डाला है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ही अदरक लहसुन डालेंगे। अब अदरक लहसुन को अच्छे से हमें भून लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़े से हरे धनिए की डंडी को काट कर डाला है और अब इसी के साथ हम मैरिनेट चिकन इसमें डाल देंगे। अब प्याज के साथ और बाकी मसालों के साथ हमें चिकन को अच्छे से भून लेना है। प्याज और बाकी मसाले अच्छे से भून जाए, तब तक हमें चिकन को अच्छे से प्याज के साथ हमें भून लेना है। अब फ्लेम हम धीमी कर देंगे और अब इसे ढककर हम थोड़ी देर पकने देंगे। इसे अब हम ढक देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी प्याज चिकन के साथ अच्छे से भून चुकी है, हमारे मसाले एकदम अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे। इसमें मैंने यहाँ पर दूध पर की मलाई का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छे से भून लेंगे और जब सारी चीज़ें अच्छे से भून जाए, तो अब हम यहाँ पर हमने जो चिकन पंजाबी चिकन करी का स्पेशल मसाला बनाया था वो इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से अब हमें मिक्स करते हुए इसे भी अच्छे से भून लेना है, ताकि मसालों की जो एरोमा है वो ग्रेवी में आए अच्छे से। फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से ज़रूर पंजाबी चिकन करी बनाइए। मुझे उम्मीद है आपको ये पंजाबी चिकन करी ज़रूर पसंद आएगी। नमक हमने मैरिनेशन में भी डाला है, इसीलिए नमक हम चक्कर टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। यहाँ पर हम 2 से 3 3 से 4 मैंने हरी मिर्च को बीच से काट कर डाल दिया है और इसमें अब हम डालेंगे 1/4 कप गर्म पानी। ग्रेवी के लिए गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पंजाबी चिकन करी ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी है। इसे अब थोड़ी देर ही बस हमें पकने देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पंजाबी चिकन करी बिल्कुल रेडी है बनकर। ऊपर से डाल देंगे बस थोड़ा सा हरा धनिया। और फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से पंजाबी चिकन ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपने बनाया हुआ पंजाबी चिकन करी कैसा बना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इंटरनेट किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।